का लौटा बचपन। रश्मि की सास उसे बहुत काम कराती थी और वो इस बात से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन सास कहती है, बहू रसोई का काम खत्म हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, कमरे की सफाई करनी है। ये कहकर सास वहां से चली जाती है। ये सासू माँ भी ना एक के बाद एक काम देती ही जाती है, जैसे कि मैं कोई बोतल से निकली हुई जिन हूँ। रश्मि अपनी सास के कमरे में जाती है और स्टूल पर चढ़कर अलमारी से सामान निकाल रही होती है। अरे बहू संभाल कर, मेरा सामान तोड़ मत दियो। वाह, इन्हें अपनी बहू की कोई चिंता नहीं है, सामान की पड़ी है कि वो ना टूट जाए। अब तो इनका सामान तोड़ना ही पड़ेगा। रश्मि सामान हाथ में पकड़ लेती है और नाटक करने लगती है। सास ये देखकर घबरा जाती है। अरे बहू मेरा सामान बचाकर कहीं गिर ना जाए। हाँ हाँ मम्मी जी, नहीं गिराऊंगी आपका सामान। रश्मि का सच में बैलेंस बिगड़ जाता है। अरे मेरा तो सच में बैलेंस बिगड़ रहा है। रश्मि स्टूल से नीचे गिर जाती है और उसका सर बेड से लग जाता है। रश्मि के सर में दर्द हो रहा होता है। वो बेहोश नहीं हुई होती है, लेकिन वो आंखें मूंद कर पड़ी रहती है। ये देखकर उसकी सास घबरा जाती है। अरे बहू ठीक तो है ना, तो बोलती क्यों नहीं बहू? ये अच्छा मौका है, बेहोशी का नाटक कर लेती हूँ, काम से तो बच जाऊंगी। सास रश्मि को बेड पर लेटा देती है और अपने बेटे सूरज और डॉक्टर को फोन करती है। वे दोनों कुछ ही देर में घर आ जाते हैं। सर पर चोट आने की वजह से ये बेहोश हो गई है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ये मंगा लीजिएगा। उफ़ो, ठीक हो जाऊंगी तो फिर से काम करना पड़ेगा। क्या करूँ? अरे हाँ, ऐसी तरकीब निकाली है जिससे काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी प्यारी सासू माँ को भी सबक सिखाने का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर चले जाते हैं और रश्मि होश में आती है। तब वो बच्ची बनकर याददाश्त खोने का नाटक करने लगती है। अरे बेटा ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माँ मैंने भी आवाज सुनी। फिर से रोने की आवाज आती है। अरे ये तो मेरे कमरे से आ रही है। वो दोनों कमरे में आते हैं तो रश्मि रो रही होती है और बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती है। दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मेरे मम्मी जी पापा कहाँ है? मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे सूरज ये तो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। हाँ माँ लगता है चोट लगने से इसके दिमाग पर असर हुआ है। आप लोग कौन है? मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल अंकल मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल, अरे रश्मि मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? पति क्या होता है अंकल, और ये बूढ़ी आंटी कौन है? बूढ़ी आंटी? ए बूढ़ी किसको बोला? बूढ़ी को बूढ़ी नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी। मैं कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ रश्मि को। अगले दिन सुबह रश्मि की सास सारा काम खुद करती है और ये देखकर रश्मि को बड़ा मजा आ रहा होता है। अरे वाह, इस नाटक में तो बड़ा ही मजा आ रहा है, चलो थोड़ी और सेवा करवाते हैं सासू माँ से। आंटी मुझे ना भूख लगी है। अरे इतनी देर से मेरा सर खा रही है, तेरी भूख नहीं मिटी, अब क्या खाना है तुझे? मुझे चॉकलेट शेक पीना है। अरे मुझे नहीं आता चॉकलेट वॉकलेट शेक बनाना है। मुझे चॉकलेट शेक चाहिए, मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। उफ़ अच्छा अच्छा मेरी माँ चुप हो जाए, लाती हूँ बनाकर चॉकलेट शेक। रश्मि अपनी सास से खूब काम करा रही होती है और अपने नाटक का जमकर फायदा उठा रही होती है। रश्मि पूरे घर को बार बार गंदा कर देती है और उसकी सास बार बार सफाई कर रही होती है। ए बहू तुझे समझ में नहीं आ रहा, कितनी बार कहा है कि एक जगह बैठ, अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। रश्मि रोना शुरू कर देती है।
अरे अच्छा बाबा, माफ कर दे, मत रो, तुझे जो करना है कर, पर रो मत मेरी माँ। रश्मि अपनी सास की नाक में दम कर देती है। कुछ देर बाद सूरज फिर से डॉक्टर को लेकर आते हैं और डॉक्टर पूरी तरह रश्मि की जांच करता है। मुझे लगता है कि इनको हॉस्पिटल में ले जाकर स्कैन करना होगा, तभी कुछ पता चल पाएगा। बाप रे, मर गई, ये तो हॉस्पिटल ले जाने की बात करने लगे हैं। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना डॉक्टर अंकल, गंदे अंकल, मुझे नहीं जाना। डॉक्टर तभी एक इंजेक्शन निकालते हैं और रश्मि को लगाने जा रहे होते हैं। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मैं तो नाटक कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर और रश्मि की सास और पति ये एकदम दंग रह जाते हैं और रश्मि के इस नाटक का हो जाता है दी एंड।